अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं नाइन शाइन प्राइम जी। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। जैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं जानवर, ये आज एक्सपो में कैटल का लगा हुआ डेल्फा का, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े हैं, फैमिलीज हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हाजिर में हम इनसे चल के बात करते हैं और इनसे एक्सपीरियंस, हम लोगों का एक्सपीरियंस लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ का, और जिनके जानवर हैं अपने हम उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी बात। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शान। आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ का बताएंगे कि आज आपको यहाँ एक्सपो सेंटर का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे पहले तो चीज़ के जानवरों का वैसे ही बहुत शौकीन हूँ मैं खुद, इसलिए भी और आया हूँ कि मैं हमेशा ना ईद से पहले, मतलब 2-3 महीने पहले जानवर खरीद के रख लेता हूँ अपनी कुर्बानी के लिए। मुझे शौक है, ज़ाती शौक है। मतलब आप पहले उनको पालते हैं अपने पास 2-3 महीने तक, उसके बाद देन फिर कुर्बानी करता हूँ। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक वैसे ही हमें एक अटैचमेंट हो जाती है तो उसके बाद कुर्बान करना, और आप पहले से लेते हैं कि पहले से अटैचमेंट, तो वो एक ज़्यादा भारी भी लगता होगा। मुझे भारी नहीं लगता। फिर क्यों? देखें ऐसे, अब आप वही मिसाल ले लेना कि वही असल कुर्बानी, 1-2 दिन पहले कोई कुर्बानी मेरी नज़र में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, वो 1 दिन पहले नहीं है। ये होता है कि जानवर जो है बेजुबान ज़रूर है मगर है इंसान। बिल्कुल, जानवरों में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जानवर वफादार है मेरे लिए, तो खास तौर पे मैं पिछले साल भी बच्चे लाए थे, मैंने 2.5 महीने पाली उसको, बहुत अच्छी बात। उसको पाल के फिर मैंने उसको कुर्बानी करी, इनफैक्ट के वो इतनी मारती थी मेरे अलावा सबको मारती, मैं उसको गोद में बिठा के खाना खिला दूंगा। बहुत जबरदस्त। तो मैं इसलिए भी और आया हूँ कि मुझे एक आइडिया भी हो जाएगा ना, मैं गया था अभी मंडी भी सर्वे करके आया हूँ, मुझे अभी मिल जाता मैं भी ले लेता। तो अभी तक आपको कोई जानवर पसंद नहीं आया? मैं बेसिकली बछिया ढूंढ रहा हूँ, मैं कोशिश ये होती है मैं बछिया लूँ। लेकिन यहाँ सारे जानवर बड़े हैं, कोई छोटा जानवर नहीं है? कुर्बानी अल्लाह पाक की उसमें होती है, मेरा उसूल ये है कि मेरी जो इस्तेआत अल्लाह ने मुझे जो दी है मैं उस पर जाऊँ ना, मैं बड़े छोटे पे कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो है कि कुर्बान तो हमें अल्लाह के लिए करना है, तो वो कबूल करने वाला वो है। कुर्बानी कुर्बानी नहीं है, सिर्फ दिखावर है। मेरा ये पर्सनली सबको मशवरा है, कोई 10 लाख की कुर्बानी कर रहा है और 10,000 की कर रहा है ना, तो बस अल्लाह की राह में वो नियत साफ रखे, अल्लाह पाक कबूल करने वाली जाते हैं हम में से कोई भी इंसान। बिल्कुल ऐसा, आजकल वैसे ये सीरियसली हो गया है कि हमें वो ये नहीं देखते कि जानवर कैसा है, वो सिर्फ उसके रेट देखते हैं और फिर उसको शो ऑफ करते हैं। यहाँ की मिसाल ले लेना आप, गुलशन पे हमारे डिस्को बेकरी वाली गली के अंदर एक घर है, वो बड़े बड़े जानवर लाते हैं, लोग देखने जाते हैं, नुमाइश नहीं करो उसको, ये अल्लाह की कुर्बानी के लिए चीज़ है। आप इसको जितना छुपा के रखो, जितना अपने साथ सेफ रखोगे, उसकी खिदमत करो, दिखाने से बेहतर है, दिखावे से बेहतर इसकी खिदमत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान जी। आप यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, शो क्या है? जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। इनके बस खासियत ये है कि बाहर से इंपोर्ट कराए घोड़े, ये तीनों, ये जर्मन से इंपोर्ट कराए, वो सऊदीया से, और ये भी जर्मन से, और छोटा वाला जो गधा आपको दिखाई दे रहा है वो इसके साथ गिफ्ट है जर्मन से। सही, ज़बरदस्त। इसलिए कि नज़र नहीं लगे इनको, क्योंकि गधों से नज़र नहीं लगती ना। अच्छा ज़बरदस्त, चले जी, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जानवरों का गाय है ये सब है, उनका तो समझ आ रहा है, बट यहाँ घोड़े क्यों? जो हमारा ओनर है ना सेठ, उसको कैटल का भी शौक है और घोड़ों का भी शौक है, वो देखिए कैटल का ये वाला और ये घोड़े हैं, हर कोई अपना कैटल लेके आते हैं, तो ये जो हमारा सेठ वो अपने घोड़े भी लेके आते हैं, कैटल भी लेके आते हैं हर जगह पे। अच्छा, तो यहाँ पे घोड़ों के लिए, मतलब जो जिस तरीके से यहाँ पर लोग जानवरों को पसंद कर रहे हैं, उस तरीके से घोड़ों के लिए क्या मतलब लोगों के तासरात हैं? वो सबसे ज़्यादा घोड़ों को पसंद करें, क्योंकि जानवर तो हर जगह पे देखते हैं, मंडी में, इधर उधर, हर किसी के घर में घोड़े किसी के पास हैं, इसलिए। बिल्कुल, ये तो है कि घोड़ों के, लेकिन यहाँ हमारी है ना पब्लिक का, मतलब बच्चों का क्या है एक्सपीरियंस, बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, देखे अभी इस बच्चे को देखे, हर बच्चा हाथ लगा रहा है, बहुत खुश है बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिम है। अच्छा, और आप यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आज बहुत मजे कर रहा हूँ, अपने फादर के साथ आया हूँ, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे जानवर हैं, एक गाय तो मेरे साथ सोई गई थी, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे मुझे। तो ये आप पहली बार आए या इससे पहले भी आए हैं? मैं पहले फर्स्ट टाइम आया हूँ। आपको एनिमल्स पसंद हैं? जी। तो आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कब से आए हुए हैं आप? वो 2 घंटे हो गए हमें आए हुए। 2 घंटे से आप यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, आप बोर नहीं हुए? नहीं। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटीज हैं यहाँ पे? अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बस जानवरों के साथ ही।
ना मिट्टी बहुत हो रही है। Thank you.